स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टलर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क, रेल, जहाजरानी और नागर विमानन जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बेहतर समन्वय की जरूरत पर बल दिया है। सरकार मीडिया पर नियमन लागू नहीं करेगी। सांसद विष्णुपद रे ने वन क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस दिए जाने को अनुचित बताया है। द्वीप समूह में खराब मौसम के चलते जहाजरानी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और गुरु नानक देव जी की जयंती आज मनाई जा रही है। समाचारों के इस अंक में परवीन हुसैन के साथ मैं संतोष कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सड़क, रेल, जहाजरानी और नागर विमानन जैसे बुनियादी क्षेत्रों के विकास में आपसी समन्वय होना चाहिए। कल नई दिल्ली में इन बुनियादी क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा, तटीय सुरक्षा, द्वीप विकास, पर्यावरण, पर्यटन, मनोरंजन और जैव विविधता पर समेकित और व्यापक चर्चा के लिए तटीय राज्यों के साथ विशेष बैठक होनी चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना का उद्देश्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर बंदरगाहों की क्षमता में विस्तार और उनका आधुनिकीकरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण, अनुरक्षण और उन्हें आर्थिक रूप से लाभदायक बनाने में राज्यों को भागीदार बनाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कल कहा कि वह समूचे देश में हिरासत में प्रताड़ना और मौत को रोकने के लिए कारावासों और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसी सिफारिशों पर विचार करेगा। न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि 1996 की जनहित याचिका में न्यायालय मित्र की हैसियत से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने इस मामले में कई सिफारिशें की थी। न्याय मित्र ने कहा कि केंद्र से हिरासत के मौत के बारे में समान परिभाषा तय करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी हत्या के अपराध के लिए अड़ियल पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनिवार्य आपराधिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार मीडिया पर नियमन लागू नहीं करेगी। नई दिल्ली में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार आरएनआई की वार्षिक प्रेस रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए और उन्हें स्वनियमन करना चाहिए। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद का अधिकार बढ़ाने पर भी जोर दिया।